आरपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। श्री गंगानगर जिले की पंचायत समिति विजयनगर की ग्राम पंचायत 17 जीबी की नव निर्वाचित सरपंच मंजीत कौर के प्रतिनिधि जी ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने हमारी टीम को बताया कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ग्राम पंचायत के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जनता को सुझाव दिए। आइए जानते हैं कि जनता के प्रति इनके क्या विचार हैं। श्री कुमार, आरपीडी न्यूज चैनल के द्वारा आज हम पहुंचे हैं मंजीत कौर सरपंच साहब और ग्राम पंचायत 17 जीबी के अंदर, तो इनसे खास मुलाकात करने, विशेष तौर से खास मुलाकात कर रहे हैं। तो इनके जो सरपंच के जन प्रतिनिधि है, तो उनसे पूछते हैं कि आपके गांव के मुद्दे और एजेंडे और जो भी महामारी चल रही है कोरोना की, उसके ऊपर आपके क्या आपने कदम खड़े उठाए हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी। तो सरपंच साहब, पहला अहम मुद्दा है जो शिक्षा का है, तो शिक्षा के स्तर में सर आपके ग्राम पंचायत के प्रति आपका क्या एजेंडे और मुद्दे रहेंगे शिक्षा के ऊपर। सभी को नमस्कार भाइयों, तो मुद्दे ये है कि शिक्षा, एक बार तो स्कूल कार्ड बंद पड़े हैं, जो खुलेंगे शिक्षा उसके लिए हमने बढ़िया प्रोग्राम किया हुआ है, सभी मास्टरों को कहा हुआ है भी अच्छे से पढ़ाओ, जो कोरोना महामारी है इसलिए हम स्प्रे करा रहे हैं गाँव में, जो भी है कोई गरीब परिवार है उनको राशन दे रही है। तो सरपंच साहब ने बोला है कि जो हमारा अहम मुद्दा है, जो यहाँ का जो गरीबी रेखा से नीचे लोग है, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारे सरकार से ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी योजना आएगी, वो बच्चों तक पहुंचाने का शिक्षा के अंदर काम करेंगे और हर बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएंगे। तो सरपंच साहब, दूसरा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग होते हैं सर, करप्शन, तो उसके लिए जैसे क्या है कि जैसे छोटी छोटी जो योजनाएं आती है सरकार से, तो उसमें क्या है कि जो एजेंट बनकर जो गरीब लोग ठगते हैं या कुछ अन्याय कराते हैं, तो उसके उपलक्ष पर आप क्या प्राथमिकता है, क्योंकि जनता ने तो आपको मुक्त बना दिया है सरपंच जी का। इसके ऊपर जो भी कोई इसके मान लो ठगी चोरी करेगा उसको कार्रवाई कराएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, जो पीछे से आएगा वो सारा जनता को मिलेगा। सरपंच साहब ने बोला है कि जो भी करप्शन जो करेगा तो उसके लिए भ्रष्टाचार जो लोग हैं उनके कड़ी का कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सरपंच साहब, जो अहम मुद्दा है जो नशे का है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे नशे की प्रवृत्ति में आ रहे हैं, तो नशे के लिए आपका क्या प्राथमिक मुद्दे रहेंगे सर। नशे के लिए यही है, अभी तो ये कोरोना महामारी आ गई, नहीं तो हमने देख के लिया था कि 17 जून पंचायत में हम जिम खुलवाएंगे, ठीक है, बच्चों को टीका कराएंगे भी वहाँ पर आए, तो वहाँ पर खेल कूद हो, बच्चों को ध्यान नशे की तरफ कम जाए। सरपंच साहब ने बहुत ही एक्सीलेंट बात बोली है कि जो ये अहम मुद्दा है जो ये बिल्कुल नशे का है, तो इसको रोकने के लिए हमारा ज्यादा प्रयास खेल पर ध्यान देगा, तो खेल के अंदर बंदे का दिमाग एकाग्र हो जाता है, तो नशे के अंदर नहीं जाता है, बहुत बढ़िया बात है। और खेल के मैदान भी खुले जाएंगे, जिम भी खुले जाएंगे। तो सरपंच साहब, जो अहम मुद्दा है जो यहाँ का जो पानी की निकासी है या जो पेयजल की व्यवस्था है, उसके ऊपर आने वाले समय में क्या विचार रहेगी आपकी। जो पानी की समस्या है, मेन अपने घरों का पानी गलियों में जाता है, तो उनके लिए ये योजना बनाएंगे कि सरकार से, उस सरकार के नियम ही अगर आए, पहले तो नाली का नियम होता था, तो नाली के तो पानी की कोई निकासी नहीं है, तो इसलिए वो अपने 30 फुट नीचे कोई बनवा के उसके वो चैम्बर बनवा के, यानी कि 2-4 घरों का पानी एक साथ इकट्ठा करके उसको मिनरल। सरपंच साहब ने बोला है कि हमारा ज्यादा पानी की निकासी के ऊपर जो नीचे कुई होती है उसको बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे वो पानी उस कुई के अंदर जाए और ज्यादा ये पानी की निकासी के ज्यादा प्रावधान किए जाए। तो सरपंच साहब, जो आजकल कोरोना महामारी चली हुई है पूरा वर्ल्ड और भारत में उससे बहुत ज्यादा ग्रस्त है, तो उसके ऊपर आपने ग्राम पंचायत के प्रति आपने क्या कदम उठाए हैं। कोरोना महामारी के लिए हमने कदम उठाए हैं, जैसे मास्क देना सबको, तो उनको समझाना भी अपने घर में रहना, बार बार साबुन से हाथ धोना, तो बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन का पालन करना, सरकार के साथ है, सरकार का साथ देना, तो ये सरकार करा रहे हैं सारे गाँव में, वो चक्का ट्रैक्टर भी उनका चल रहा है।
सरपंच साहब ने बोला है कि हम सैनिटाइजर का भी छिड़काव करवा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के अंदर एक तो मास्क लगाना होता है और ज्यादा भीड़ भड़क की जगह नहीं जाना होता है और बार बार डिटोल साहब उनसे हाथ धोना होता है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होता है। तो सरपंच साहब आप जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? आप सरपंच जीत गए हो, उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो, किसको मानते हो जीतते हो, किसके ऊपर जीतते हो? जीते तो जनता के साथ दिया सभी ने, सभी गांववासी लोग, हमारी पंचायत सत्रह देवी जितने भी गाँव है सभी लोगों ने हमारा साथ दिया होना चाहिए। तो सरपंच साहब पहले भी आप कोई राजनीति या समाज संगठन या कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे या पहली बार सरपंच के अंदर दावेदार हुए? मैं देखो इलेक्शन तो हमने पहली बार ये लड़ा है तो हम जीते हैं। वैसे हमारा था कोई भी, पहले भी हम कोई गरीब आता था उसकी मदद करते थे, कोई भी किसी प्रकार से जो सरकारी स्कूल का कोई भी काम होता था हम करवाते थे, जो गुरुद्वारे का था वो ही हम करवाते थे, इसलिए जनता ने हमारे को वोट दिया। हम पूछता है तो सरपंच साहब ने बोला है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस गरीब लोगों को प्रथा को हर तरफ से मदद की जा रही थी, आज उस हिसाब से हमारे को जनता ने हमारे को सरपंच चुना है। तो सरपंच साहब आपके ग्राम पंचायत के प्रति जो बालिका शिक्षा है या जो महिला उत्पीड़न है सर, क्योंकि आजकल ये सामाजिक कुरीतियां के अंदर महिला को ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसके लिए आपके क्या कड़े कदम रहेंगे? जो भी है जो महिला की है जो कोई जो उनके लिए जो विधवा पेंशन का जिसको मान लो मुझे अपने खाद्य सुरक्षा का जोड़े है, जो किसी को परिवार को कंट नहीं मिलती थी, राशन नहीं मिलता था, उनको समारोह को बोलकर वो उधर खाते के साथ जुड़वाया। तो सरपंच साहब अब आप सरपंच तो बन गए हो, तो सर आप अभी जो कोरोना महामारी है इसके उपलक्ष्य पर आप पूरी जनता को और आप देशवासियों को क्या अपील करना चाहते हो सर? अपील यही है कि ये बहुत बड़ी महामारी है तो इससे अभी अपना बचा रखो, सबसे बड़ी बात यही है, जितना आप हमारी दूरी बना के रखेंगे उतने ही हमारे लिए अच्छा है। तो बाहर ना निकलो, बीमारी घर में तो आएगी नहीं, ये बाहर जाएंगे तो हम खुद लेके आएंगे बीमारी को, ठीक है? बाहर निकलना नहीं है, लॉकडाउन का पालन करो, ये अपने आप जो सरकार भी कर रही है तो वायरस को खत्म करने का मुद्दा उठाओ, मालूम होगा इससे वायरस से जीतना है। तो सरपंच साहब आप पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या कड़े कदम रहेंगे आपके ग्राम पंचायत के प्रति? पेयजल के लिए जो वाटर बक्स है उनको हम वाटर बक्स हमारे बीसी में बना, हमारे तरीकी से भी का पानी इधर से आता है, इसमें 16 जीबी में पानी नहीं है, 17 जीबी वाटर बक्स लग रहा है, तो वहाँ से सप्लाई चालू करवाएंगे तो सभी गाँव को पानी पहुँचाएंगे। सरपंच साहब ने बोला है कि जो आयु मुद्दा है हमारा ज्यादा से ज्यादा वो पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए, क्योंकि पानी जल है तो जीवन है, तो ज्यादा हमारा जल के ऊपर ही ज्यादा कार्य रहेंगे, सरकार की जो भी योजना है वो जनता तक पहुंचाने का काम करे, और पेयजल की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो वाटर बक्स है उसकी डिग्गियों को बढ़िया साफ करवाया जाएगा और डिग्गियों के अंदर हर समय समय पर दवाई छिड़की जाएगी और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। तो 10 मिनट के लिए आरपीडी न्यूज चैनल में सरपंच साहब का टाइम व्यक्त करने के लिए धन्यवाद सर।